आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट इलेक्ट्रिक बस रूट में जर्नी। देवी और सज्जन नमस्कार, लद्दाख सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। लास्ट वाले व्लॉग में हम बस जर्नी करके गए थे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे, या सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे। हालांकि उस दिन मैं काफ़ी बुरा फंस गया था खारदुंगा पास पे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो व्लॉग देखा होगा, काफ़ी चैलेंजेस आए थे। सुबह के फिलहाल 7 बज रहे हैं, एक और दुखद दिन की शुरुआत। आज मेरे को जाना था पैंगोंग लेक बस से। पैंगोंग लेक आपको पता है कि कितना ज़्यादा फेमस है, जो 3 इडियट्स के सीन्स है ना वहीं पे थे, जो ब्लू कलर का लेक आपने देखा होगा। बट आज अनफॉर्चुनेटली लो ऑक्यूपेंसी की वजह से बस कैंसिल है। मैं मानता हूँ कि वेदर की वजह से कैंसिल करो, बस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से कैंसिल करो, या फिर आप ब्रेकडाउन वगैरह की वजह से कैंसिल करो, लेकिन ये बात मेरे को हजम नहीं होती कि बस जो है लो ऑक्यूपेंसी की वजह से कैंसिल है। इसलिए जो है HRTC मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए HRTC का बहुत ज़्यादा नाम है, क्योंकि HRTC की बस ना सिंगल पैसेंजर के साथ भी निकल जाएगी। अब सोचिए, मैं तो टूरिस्ट हूँ, मुझे पैंगोंग जाना है, भले ही मैं टैक्सी कर सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जो लोकल्स वगैरह हैं या जो कोई लो बजट में जाना चाहते हैं वो डिपेंडेंट है बस पे, जो कि हफ्ते में 2 दिन चलती है, जिसमें से भी आज कैंसिल है। तो ये चीज़ मुझे तो यार बहुत ही ज़्यादा घटिया लगा कि हफ्ते में 2 दिन चला रहे हो। एक तो इतनी सारी बसें, ये देखो JK SRTC 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे 7 8 9 10 11 12, तो 12 तो बसें यहाँ पे रखी हुई है ऑलरेडी। आई थिंक स्टाफ शॉर्टेज होगा जिसकी वजह से रूट ऑपरेट नहीं करते, या फिर ये लोग मतलब प्रॉफिट का सोचते हैं। ये चीज़ यार थोड़ी ना मेरे को सही नहीं लगती, जो है वो मैं बता देता हूँ। तो फिर पैंगोंग जो है मैं आज जा नहीं पाया, फ्यूचर में देखते कभी अगर पॉसिबल हो पाता है तो। लास्ट वाले व्लॉग्स में मैंने बताया था कि लद्दाख सरकार ने इलेक्ट्रिक AC बसेस चलाई है जगह जगह की, गाँव गाँव की, तो आज हम उन्हीं में जर्नी करेंगे। लोगों ने भी बोला था कि इलेक्ट्रिक बस की एक जर्नी हो जाए, दिखा दो कि पहाड़ों में इलेक्ट्रिक बस कैसी चलती है। तो ये है इलेक्ट्रिक बसें, 1 2 3 4 4 अभी रखी हुई हैं। आज हम जान लेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक बसें जो है यहाँ पे कैसी चलती है, कितना उनका फेयर रहता है, कहाँ पे वो चार्ज करते हैं, कितना जो है रेंज मिलता है यहाँ पे। एंड आज जो मेरा प्लान है वो है आलची जाने का। आलची बेसिकली पड़ जाता है आपके कारगिल वाले रोड पे। आलची में एक मोनेस्ट्री, अगर टाइम हो पाता है तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, अगर नहीं हो पाता है तो रियली वेरी सॉरी। आलची वैसे जाएंगे बहुत ही खूबसूरत रोड से, लेह श्रीनगर हाईवे, एंड उस रोड में पड़ने वाला है मैग्नेटिक हिल और संगम। संगम एक टूरिस्ट स्पॉट है, मैग्नेटिक हिल भी एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। तो आप ये इलेक्ट्रिक बस लेके वहाँ पे भी उतर सकते हैं, रिटर्न सर्विस भी अवेलेबल है। बस का टाइमिंग जो है वो है प्रोबेबली सुबह के 8 साढ़े 8 बजे, एग्जैक्ट टाइम मैं बताता हूँ। फिलहाल देखिए, मैं हॉस्टल वॉस्टल चेकआउट करके जो है सूटकेस लेके यहाँ पे आ गया था पैंगोंग जाने के लिए, बट कहा ना मैंने कि दिन जो है वो ख़राब है। एनीवेज, लद्दाख सीरीज को ख़त्म करते हैं जल्दी। लोग जो है बांग्लादेश सीरीज का वेट करें तो वो बहुत जल्दी चालू करेंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ही। बाकी हॉस्टल का एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने अपना हॉस्टल episode 1 में दिखा दिया था। मैं रुका हुआ था ले हॉस्टल में, प्राइसेस है 500 पर नाइट पर बेड, 6-bed डॉर्मेटरी है, एनक्लोज वॉशरूम के साथ, एंड स्टे काफ़ी अच्छा था, रूममेट्स भी काफ़ी अच्छे थे। सबसे अच्छी जो बात थी वो थी वाईफाई। वाईफाई में मेरे को एक दिक्कत नहीं हुई, मेरे घर से भी फास्ट स्पीड था यहाँ पे, 200 Mbps का स्पीड था, इसलिए अगर मैं फिर से लद्दाख आया ना तो बिना कुछ सोचे वहीं पे जाऊँगा। जो भी है अपनी बस है वो वाली, एक बार आपको बस दिखा देता हूँ। तो बस है अपनी आज की ये वाली, हर जगह देख सकते हैं ब्रांडिंग किया हुआ है, ई बस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 100% इलेक्ट्रिक बस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट UT लद्दाख, यानी यूनियन टेरेटरी लद्दाख, फिर यहाँ पे जो G20 और Y20 समिट है उनके प्रमोशंस हैं। तो ये बस जो है ना लद्दाख सरकार की है, लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी लद्दाख ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। एंड पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर में आता था तब ऑब्वियसली यहाँ पे सारे JKSRTC ऑपरेट करते थे, अभी जो है अलग यूनियन टेरेटरी बन गया तो उन्होंने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू किया। बाकी जी एक बार इंटीरियर देख लेते हैं। ये कंपनी है समथिंग कॉल्ड PMI इलेक्ट्रोमोबिलिटी सॉल्यूशंस, कोई अलग कंपनी है। एंड जो डैशबोर्ड है वो आप इस तरह से देख सकते हैं, एक बार ऑन हो जाए फिर भी देखते हैं। इसमें जो सीटिंग है वो जस्ट लाइक सिटी बसेज है, थोड़ी सीट्स में कहूँगा कंफर्टेबल है सिटी बसेज से। यहाँ पे जो है 2x2 सीट्स है। वैसे ये जो एक 30-seater 9 meter की बस है, और सेफ्टी फीचर्स बहुत है, जैसे यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है, CCTV कैमरा लगा है, बाकी ऑटोमेटिक डोर्स है, जस्ट लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बसें होती है, मैं कहूँगा जैसे सिटी बसेज होती है। अच्छा, बस का टाइम हो गया चलने का, टाइम है 8:30 बजे। आज अपन कुछ 70 किलोमीटर के आसपास कवर करेंगे। रूट हो जाएगा वाया पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल, संगम और निमू होके हम आलची जाएंगे। तो जो टूरिस्ट प्लेसेस है ना, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, फिर संगम और मैग्नेटिक हिल, तीनों इस रूट में पड़ते हैं। तो अगर किसी में भी आप जाना चाहते हैं इस बस की सेवा उठा सकते हैं। दिन में ये 2 ट्रिप्स करती है, अभी जैसे आलची जा रही है, आलची से आएगी,
फिर दोपहर को 2 बजे निकलेगी आलची के लिए, फिर वापस आएगी, तो आप आराम से जो है घूम घूम के वापस आ सकते हैं। एंड जो टिकट फेयर है इसका वो है 110 रुपये पर पर्सन। आई थिंक पहाड़ों के हिसाब से फेयर जो एकदम सही है। बाकी चीज शुरू करते हैं जर्नी, देखते हैं पहाड़ों में इलेक्ट्रिक बस की राइड कैसी रहती है। अभी जस्ट हम NH1 पे आ गए हैं। बता दूं कि लद्दाख सरकार के पास जो है अभी टोटल 10 ऐसी इलेक्ट्रिक बसेज है जिनका पर बस कॉस्ट है 1,30,00,000 रुपये। तो ट्रांसपोर्टेशन पे जो है बहुत ही अच्छा खर्चा किया है, एंड इट्स अ गुड स्टार्ट। उन्होंने बोला है कि नई बसें भी जो है और आएंगी, एंड डेफिनेटली नई बसें आने के साथ साथ कनेक्टिविटी और सही होगी लेह के साथ में बाकी सारे गाँव की। बाकी बस भी जो एकदम फुल हो चुकी है, तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं ना वो बस सर्विस को यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी इस वक्त चार्ज है बस में 100% चार्ज करके निकले थे ले से, तो देखते हैं 70 किलोमीटर जर्नी के बाद जो कितना चार्ज बचता है। रेंज जो बताया गया है कंपनी के द्वारा दैट इज समवेयर अराउंड 200 किलोमीटर। यहाँ पे हमने जस्ट क्रॉस किया है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। ऐसा माना जाता है इन द ईयर 1515 गुरु नानक जब सिक्किम से नेपाल तिब्बत श्रीनगर होते हुए पंजाब वापस जा रहे थे, तो वो जो है यहीं पे रेस्ट करते थे। एंड ये गुरुद्वारा अभी इंडियन आर्मी चलाती है बहुत ही प्राउडली। यहाँ पे एक इंडियन आर्मी का कैंटीन भी है, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी टूरिस्ट संगम वगैरह देखने जा रहे हैं ना वो यहाँ पे रुकते हैं। तो आप भी अगर इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बार रुकना ज़रूर। जस्ट पार किया मैग्नेटिक हिल, एक और बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट। ये सिचुएटेड है करीबन 11,500 फीट पे, एंड थोड़ा सा ही कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि जो आसपास के हिल्स है उसके मैग्नेटिक रेंज की वजह से बस जो है डाउनवर्ड स्लोप पे अपने आप रिवर्स आ जाती है, बस गाड़ी कुछ भी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये आँखों का मतलब धांसा है, ये एक्चुअली में डाउनवर्ड स्लोप नहीं है अपवर्ड स्लोप ऐसा कुछ। इसके बारे में आपके पास जो भी जानकारी वो कमेंट पर लिखिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में लोगों ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं, ये स्लोप बस उल्टा है, यहाँ पे जो है स्लोप अपवर्ड है। यहाँ पे आ चुके हैं संगम व्यू पॉइंट पे। बाय द नेम संगम आप समझ सकते हैं कि दो चीज़ों का यहाँ पे मिलन हो रहा है, वो दो चीज़ें हैं, दो रिवर्स, एक है जंगस्कार और दूसरा है इंदस। दोनों मिला के जो इंदस रिवर ही बन रही है, और दोनों रिवर्स जो है ना थोड़ा ब्लूइश ग्रीन कलर के हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट लगा मेरे को ये। बाकी इसकी भी हाइट समवेयर अराउंड 11,000 फीट है।
सुबह के 9:30 हो रहे हैं। 10,300 फिट पे स्थित एक बहुत ही प्यारे से गांव निमो में पहुंचे और बस के बारे में बात करें, बस बहुत ही बढ़िया चल रही है, कोई साउंड नहीं है इलेक्ट्रिक बस में, आपको पता है। पिकअप वगैरह बहुत बढ़िया है एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि देखिए इस रीजन में, लद्दाख रीजन में पेड़ वेड़ तो है नहीं, इतना कम ऑक्सीजन में, तो डीजल बस से जो एमिशंस होगा उसको एमिट कोई नहीं कर पाएगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो। इसलिए जो इनिशिएटिव है ना लद्दाख सरकार का इलेक्ट्रिक बस चलाने का, काफ़ी बढ़िया है। के 10 बज रहे हैं, पहुंच गए हैं सस्पोल। ये स्थित है करीबन 11,250 फीट की हाइट पे। यहाँ पे हम ये NH1 छोड़ के इंदस क्रॉस करके चले जाएंगे आलची की तरफ। मेरा YouTube पे ट्रैवल विद सोमित। आपका घर है अलची में? कौन सा घर है? अच्छा, ले में घर है अभी? अच्छा, आप हो कहाँ से? बिहार से। अच्छा, कौन सी जगह से बिहार में?
सुबह के 10:20 हो रहे हैं, आलची में आपका स्वागत है। और यहाँ पे काफ़ी सारे होमस्टेज हैं, अच्छे अच्छे कैफेज भी है। तो आपका वन डे का प्लान ना यहाँ पे बनता है, क्योंकि गांव है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये बाय हार्ट बता रहा हूँ, मेरे को भी मन कर रहा है कि थोड़ी देर रुक जाऊँ, लेकिन 10 मिनट में जो है बस वापस जा रही है। एक बार कोशिश करता हूँ अगर मोनेस्ट्री आपको दिखा पाऊँ तो। यहाँ पे जी आगे बारिश और टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। मोनेस्ट्री में एंट्री फ्री वो 100 का, और जूते वूते खोल के अंदर जाता मैं, उसी में जो बस का टाइम हो जाता तो मैं वापस आज जा रहा हूँ। बाकी इस गांव से ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे ये इलेक्ट्रिक बस चल रही है फिलहाल, तो गांव वाले जो है पूरी तरह से निर्भर है लद्दाख सरकार के इस बस के ऊपर। एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लद्दाख सरकार की, आपने ये बस सर्विसेज दी, वो भी ऐसी नॉर्मल कोई बसें नहीं, इलेक्ट्रिक बस दी अच्छी वाली। जो जर्नी टाइम है वो भी ज़्यादा नहीं है, बस जो एकदम फास्ट आई। बाकी यहाँ से जो है 10:30 सुबह बस निकलेगी एंड शायद शाम को 4 बजे। तो अगर आप ऐसे सिंगल डे प्लान करें कि यहाँ पे आएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे और रिटर्न जाएंगे, तो ये बस सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि और जो है बसें लाएंगे वो, और अलग अलग रूट पे वो बस डालेंगे। बाकी मैंने यहीं पे देखा है कि लोग भले ही 1 किलोमीटर जाए, उनके पास कोई साधन नहीं है, वो डिपेंडेंट है या तो लिफ्ट पे या फिर इन बसों पे। तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़े। बहुत ही अच्छा लगा इस इलेक्ट्रिक बस में जर्नी करके, फिलहाल जो मैं वापस रिटर्न जा रहा हूँ। वैसे अपन जो आए ही आए वर्ल्ड के हाईएस्ट इलेक्ट्रिक रूट से। अगर हिमाचल से कंपेयर करें तो किलोंग तक इलेक्ट्रिक बसें चलती है, जो कि 10,000 फीट की हाइट पे, तो अपन आज 12,000 टच करते हुए आए। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ल्ड के हाईएस्ट इलेक्ट्रिक बस रूट में हमने आज जर्नी करी। एक बार आपको बता देते हैं कि बस में भाई चार्ज कितनी बच रही है, और इसमें चार्ज कितनी बच गई, 69। ओके, और ये चार्ज ले ही करते हो ना? ओके जी, ओके चलो। अभी जो अपन लगभग 30% बैटरी में 70 किलोमीटर आए, तो लगभग 220 किलोमीटर की रेंज दे रही है बैटरी। में कहूँगा कि अच्छा है, सफिशियंट है, स्पेशली इन रूट्स पे चलाने के लिए। जैसे दिन में ये जो है चार ट्रिप करके फिर चार्ज करके अगले दिन चल सकती है। चलिए, दोपहर के 12:30 हो रहे, पहुँच गया हूँ ले। बस जर्नी काफ़ी अच्छी रही एंड जो टाइम है 2 घंटे उसी में वापस आ गए, कोई डिले नहीं। इनकी सर्विस हालांकि मेरे को JKSRTC से काफ़ी अच्छी लगी, मज़ा आ गया, मतलब टू बी ऑनेस्ट मज़ा आ गया। उम्मीद करता हूँ जो ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटी लद्दाख, वो आगे और डेवलप करे, और बसें लाए, इंटरसिटी बसें लाए, वॉल्वो लाए, ऑर्डिनरी बसें लाए, दिल्ली चलाने के लिए बसें लाए, श्रीनगर चलाने के लिए बसें लाए, कारगिल चलाने के लिए बसें लाए। समझ जाए कि कनेक्टिविटी और अच्छा हो, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे इतना नहीं लगता कि लद्दाख अच्छे से कनेक्टेड है बाकी जगहों से। और फ्लाइट का फेयर भाई साहब बहुत ज़्यादा है। रीज़न है कि गो एयरलाइंस जिनकी आधी से ज़्यादा फ्लाइट से ले की चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर से, दिल्ली से, वो एयरलाइन जो है बंद हो गया, आप सभी को पता है। उसकी वजह से फ्लाइट फेयर जो है चरम सीमा पे एंड टिकट्स भी कम है, तो टूरिस्ट भी इस साल बहुत कम आ रहे हैं कंपेयर टू अदर ईयर्स। लाइक समझ सकते ना कि दिन में अगर यहाँ पे 20 फ्लाइट उतरती है, 10 जो है गो एयर की थी, और वो सारी फ्लाइट्स इस साल कैंसिल है। उम्मीद करता हूँ एयरलाइंस जल्दी वापस आ जाए। देखिए एक एयरलाइंस के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है लोग, वो फ्लाइट आएगी, पैसेंजर्स लाएंगे, फॉरनर्स लाएंगे, तब जो है यहाँ पे ले में टूरिज्म बढ़ेगा। जो लोग डिपेंड करते हैं पूरा टूरिज्म पे, उनका घर चलेगा, पूरा ही जो मतलब लाइफ साइकिल है एक तरह का। आज एक एयरलाइन बंद हो रही है, आज एक बस ऑपरेटर बंद हो रही है, उससे सिर्फ उस बस ऑपरेटर का नहीं, उससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। एनीवेज आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, आगे क्या करना है मुझे पता नहीं। बस जो है अभी थोड़ी देर चार्ज पे लगेगी 1 घंटे, वो चार्जिंग स्टेशन थोड़ा दूर है इसलिए मैं गया नहीं। फिर 2 बजे जो है वापस निकलेगी बस आलची के लिए। सो आज का व्लॉग एंड करने से पहले एक और मुद्दे की बात बताता हूँ। इलेक्ट्रिक बस, वैसे तो मैं बोलता हूँ या बाकी लोग भी बोलते हैं 100% पॉल्यूशन फ्री या एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लेकिन एक बात सोचने का है कि जहाँ पे बिजली बन रही है, मतलब बस तो अल्टीमेटली बिजली से चल रही है, वो बिजली बनाने के लिए हो सकता है कि नुकसान हो रहा हो। क्योंकि देखिए बिजली बनाने के तरीके बहुत है, अब बस में जो बिजली गई है वो कौन से तरीके से बना वो तो हमको पता नहीं। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए जैसे आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, उसमें कोई नुकसान नहीं है खास करके, लेकिन आपका मान लीजिए कोयले वोयले से बन रहा है तो उसमें नुकसान है। तो इसलिए एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट ये ज़रूर बोल सकते हैं कि बस जब चल रही हो, ना साउंड पॉल्यूशन ना एयर पॉल्यूशन, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बस अपनी रनिंग कंडीशन में 100%
एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बसेस का क्या फ्यूचर है वो तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं, हालांकि मुझे तो लगता है फ्यूचर ब्राइट ही है, मगर जो लिथियम के बैटरीज है उनका भी कुछ ना कुछ नुकसान है। तो इस बारे में अगर आपका कुछ राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी है बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।